नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे ईवीएम से वोटों की गिनती के बारे में। प्रदेश में अगर चुनाव की स्थिति को देखें तो एक दो महीने को छोड़कर हर महीने में चुनाव देश में किसी न किसी राज्य में होता ही है। वह चुनाव लोकसभा का हो या फिर राज्यों में विधानसभा का, या फिर निगम चुनाव का हो या फिर पंचायत चुनाव, देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहता है। देश में एक समय था जब बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता था, उसमें वोटों की गिनती होने में एक लंबा समय निकल जाता था। साथ ही साथ कई तरह के कदाचार की खबरें भी मिलती थी, लेकिन बाद के समय में देश में चुनाव कराने और उसकी गिनती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया, जिसके बाद हम लोग आज ईवीएम के माध्यम से वोट करते हैं और वोटों की गिनती भी तेजी से होती है। देर रात होते होते लोकसभा के चुनाव के नतीजे भी लगभग पूरे हो जाते हैं। भारतीय ईवीएम मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले साल 1980 में एमबी हनीपा के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा बनाए गए मशीन को तमिलनाडु के 6 शहरों में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल साल 1982 के केरल विधानसभा चुनाव में हुआ था। केरल के 70 पारूप विधानसभा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल पूरे देश में किया गया। इसके बाद पूरे देश में होने वाले चुनाव में इसका इस्तेमाल पूरे तौर पर किया गया। हालांकि निकाय चुनाव के बाद में इसमें बदलाव किया गया, लेकिन 2019-2020 के बाद होने वाले निकाय चुनाव में भी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में ईवीएम में तकनीकी बदलाव भी देखने को मिला। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सत्यापन पेपर यानी कि वीवीपैट प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा साल 1989 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से देश में ईवीएम बनाने की शुरुआत हुई, जिसका डिजाइन आईआईटी बॉम्बे के द्वारा तैयार किया गया था। आइए अब जान लेते हैं यह कार्य कैसे करता है। ईवीएम मशीन दो अलग अलग भागों में बटा होता है। एक तरफ नियंत्रण इकाई होता है तो वहीं दूसरी तरफ मतदान इकाई होता है। इन दोनों के बीच में एक 5 मीटर का वायर होता है जो कि पीठासीन पदाधिकारी या फिर मतदान अधिकारी के पास रहता है। मतदाता के मतपत्र जारी करने के बाद नियंत्रित इकाई के पास बैठा अधिकारी मतदान बटन को दबाता है, जिसके बाद मतदान इकाई पर आप अपने पसंद के उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह के सामने अंकित नीले बटन को दबाकर मतदान करते हैं। आपको बता दें कि ईवीएम में नियंत्रण के रूप में सिलिकन से बने ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बार नियंत्रक का इस्तेमाल हो जाने के बाद निर्माण के साथ ही कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता। आपको बता दें कि ईवीएम के अधिकतम 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और इस ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक ईवीएम मशीन में 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं और इसी तरह से 4 इकाइयों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, यानी कि ईवीएम के माध्यम से 64 उम्मीदवारों के साथ मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अगर इससे अधिक लोग यानी कि इससे अधिक उम्मीदवार अगर मतदान में हैं तो फिर मत बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होगा। मतगणना से पहले चुनाव अधिकारी ईवीएम को कैरी करने वाले केस पर लगी कागज की मुहर और फिर भीतर मौजूद ईवीएम पर लगी मुहर की जांच करता है। इस दौरान अधिकारी इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि ईवीएम में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, तो वह वोटों की गिनती कर सकता है। मतगणना के दौरान कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट बटन से वोट की गणना की जाती है। इसके बाद वीवीपैट के परिणाम से कंट्रोल यूनिट के आंकड़ों को मिलाया जाता है। इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि कई बार इसमें उम्मीदवारों की तरफ से ईवीएम पर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के इस्तेमाल की बात कही। मतगणना की शुरुआत एक बार में 14 अलग अलग टेबल पर होती है। मतगणना की जैसे ही शुरुआत होती है ईवीएम ऑन करने के साथ ही मतगणना कर्मी रिजल्ट का बटन दबाते हैं और उम्मीदवारों के नाम के साथ वोट अंकित हो जाता है। आपको बता दें कि एक राउंड में 14 ईवीएम में मौजूद वोटों की गिनती होती है। एक राउंड समाप्त होने के बाद फॉर्म नंबर 17C में आंकड़ों को दर्ज किया जाता है। इसके बाद उम्मीदवार के एजेंट से वहां पे दस्तखत करवाने को कहा जाता है, जिसके बाद फॉर्म नंबर
17C को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिया जाता है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड में मतों के मतगणना दर्ज करता जाता है और इस नतीजे को हर राउंड में ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी जाता है और लाउड स्पीकर के माध्यम से इसकी घोषणा की जाती है। बता दें कि हर राउंड के परिणाम सामने आने के बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है और यह चुनाव समाप्त होने तक ऐसे ही चलता रहता है। जब वोटों की गिनती हो रही होती है तो उसमें सरकारी कर्मचारी वहाँ मौजूद होते हैं। उम्मीदवारों के एजेंटों के बीच तारों की एक बाड़ लगी होती है ताकि एजेंट ईवीएम छेड़छाड़ ना कर सके और इस तरह से पूरे क्षेत्र की गिनती यानी कि पूरे इलाके की गिनती हो जाने के बाद ज़्यादा मत जिन्हें मिलती है वो उम्मीदवार जो है विजेता घोषित किए जाते हैं और जिलाधिकारी के द्वारा विजेता घोषित किए जाने के बाद उसे जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो एक तरह से कह लें कि वीवीपैट के माध्यम से ईवीएम का जो है एक पूरी प्रक्रिया है जिससे कि वोटों की गिनती की जाती है और वीवीपैट के माध्यम से जो है ईवीएम के वोटों का मिलान किया जाता है ताकि कोई उम्मीदवार जो है ये आरोप न लगाए कि इस ईवीएम में जो है गलत तरीके से वोट दिए गए हैं। तो ये था ईवीएम से जुड़ी हुई खबर जिसमें कि मतों की गिनती के बारे में जाना। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।